बागपत एक अब ऐसा नाम बन चुका है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। हाल ही में 16-14 वर्ष शूटिंग में गोल्ड जीत कर इतिहास रचा था, लेकिन क्या आपको शूटर जाति याद है जो करीब 100 साल में भी निशाना लगाती हैं? लेकिन अब इनकी पोती ने भी रूबी तोमर ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत कर अब देश का नाम रोशन किया है। बागपत की शूटर दादी प्रकाश तोमर की पोती रूबी तोमर एक बार फिर सुर्खियों में है। केरल के तिरुवनंतपुरम में 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक 62वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बागपत की बेटी व दादी प्रकाश तोमर की पोती ने अपनी काबिलियत के झंडे गाड़ दिए हैं। 25 मीटर पिस्टल महिला वर्ग में इस बागपत की शेरनी ने पंजाब पुलिस में सेवा देकर गोल्ड मेडल जीता है। उनकी उपलब्धि से बागपत के शूटर गांव जौहड़ी में खुशी का माहौल है और दादी ने मिठाई खिलाकर अपनी खुशियों का इजहार किया है। दादी इस गोल्ड मेडल से बेहद खुश हैं और अपनी पोती को अभी से ऊंचाइयों पर देखना चाहती हैं। रूबी ने शूटिंग की प्रेरणा अपनी दादी से ही ली थी और वही उनकी गुरु भी हैं। दादी से मिली तालीम को उन्होंने अभी तक बरकरार रखा है और गोल्ड जीतकर सिर्फ अपनी दादी को ही नहीं बल्कि अपने परिवार को भी तोहफा दिया है। दादी प्रकाशो का कहना है कि वह अपनी पोती को अभी और ऊंचाइयों पर देखना चाहती हैं।